बहराइच हिंसा मामले में आरोपी सरफराज का हाफ इनकाउंटर हुआ है। इस वक्त आरोपी सरफराज की बहन रुखसाना हमारे साथ अभी मौजूद है। रुखसाना, सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं। रुखसाना, आपके भाई सरफराज का हाफ इनकाउंटर हुआ है, पैर में गोली लगी है, नेपाल भागने के फिराक में थे वो, क्या कहना है इस पर आपको? इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कुछ पता चला, हमको कुछ नहीं पता इसके बारे में। मुझे सिर्फ इतना कहना कि मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि मेरे शौहर उसामा उर्फ दोस्त मोहम्मद और मेरे देवर शाहिद को सही सलामत घर वापस भेज दें, जिनका कोई अता पता नहीं। 14 तारीख को यहाँ से उनको लोग को ले गए हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है कि कहाँ है और कहाँ नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका भाई सरफराज, आपके पिता से आपकी बातचीत ना होती हो? पहले दिन जिस दिन दंगा हुआ था उस दिन मुझे थोड़ी देर के लिए कॉल आई कि यहाँ पे बवाल हो गया है, हम लोग सब चारों तरफ से घिरे हुए हैं, सब ने हम लोगों को घेर रखा है। बिटिया अभी थोड़ी देर में बात करेंगे क्योंकि हो सकता है हम लोगों में से कोई ना बचे। बस इतनी बात मेरे भाई से और मेरे पापा से हुई, उसके बाद से उनसे मेरी कोई बात नहीं हुई। उससे पहले बातचीत होती थी? हाँ, उससे पहले बातचीत होती थी। 7 साल पहले मेरी शादी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी क्योंकि थोड़ा सा मेरी और मेरी मियाँ की लव मैरिज शादी हुई थी, हम लोगों ने लव मैरिज शादी करी थी। इस वजह से मेरे पापा हम लोग से खफा रहते थे तो इतना नहीं वो था। माता जी, सरफराज जिनका हाफ इनकाउंटर हुआ है हिंसा मामले में, वो आते थे आपके यहाँ मिलने आपसे? क्या कभी आए हैं आपसे मिलने के लिए? यहाँ पे रिश्तेदार थे चूंकि आपके। नहीं आए हैं मिलने। और आपके बेटे, दोनों बेटे मतलब नहीं? हमारे बेटे हमारे दुकान में काम लगा था और काम बढ़ा के मिस्त्री गया और बेटा हमारा आके सोफे पे बैठा, उससे पुलिस आ गई और पूछा उसामा, फिर आके दरवाज़ा खुला के हमारे बेटे से कहीं कि हम ले जाते हैं, साइन करा के भेज देंगे। हमारा भतीजा सो रहा था, उसको जगा के और भतीजा और बेटे को ले गए, बेकसूर के ले गए। तो रुखसाना का कहना है कि इनके भाई सरफराज हो या फिर इनके पिता हो आमिर, बातचीत होती थी चूँकि पिता थे तो इस वजह से बातचीत तो होती थी, लेकिन बहुत कम बातचीत होती थी, बहुत कम ये कंसर्न रखती थी। वहीं इनका आरोप है कि इनके शौहर, इनके देवर को 2 दिन पहले पुलिस के कुछ जवान आए थे जो ले गए और अभी तक पता नहीं चला, तो इसी वजह से ये रिक्वेस्ट कर रही हैं कि भाई का हाफ इनकाउंटर हो चुका है, इनके पति, इनके देवर इस हिंसा मामले में कहीं नहीं थे। जब हिंसा हो रही थी तो उस दौरान वो यहीं पर अपने दुकान में बैठे हुए थे, तो लिहाजा उनका भाई और उनका पति जो है घर वापस आ जाए, ये लगातार अपील कर रही हैं।